पीड़ा वादनी के श्री चरणों में नतमस्तक करती हूँ माँ, क्योंकि हे माँ आपसे बस इतनी ही गुजारिश है माँ। ये नवरात्र का पावन दिन चल रहा है माँ, आप सभी के द्वार पर आ रही हूँ माँ। ये भक्त आपको पुकार रहे हैं माँ, और हे ममता मई माँ आप आज इस प्रांगण में आए हैं, इस धरती की शोभा को बढ़ाएं, क्योंकि हे माँ बीड़ा वादनी मैया का सहारा हम सभी कलाकारों को होता है। क्योंकि ये जो 9 दिन 10 दिन बीत जाते हैं माँ, अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो हम एक दिन भी नहीं चलते माँ। और इसलिए हे बीड़ा वादनी माँ आप हमारे कंठ में वास करो, और आज का जो ये जवाबी का मुकाबला है माँ इसको आकर सफल बनाए। बोल दे सांची दरबार की जय, बोल दे सरस्वती मैया जय। इसलिए कहना है माँ क्यों ना हो। अगर सर्वप्रथम हम अपने गणपति महाराज को याद ना करें, उनका आवाहन ना करें, उनको इस धरती पर बुलाएं ना, वो पूजा अधूरी मानी जाती है। क्योंकि हमारे गणपति महाराज सर्वप्रथम पूजनीय हैं, तो बिना उनके कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए ये सारे भक्त मिलकर गणपति महाराज को सर्वप्रथम बुलाएंगे, आवाहन करेंगे और कहेंगे कि हे गणपति महाराज गौरी
करती हूँ श्री गणेश। तो आइए गणपति महाराज जी के चरणों में चलते और कहना है कि हे गणपति महाराज, कहना है गणपति महाराज के चरणों में सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन है और कहना हे गणपति महाराज, आज आप इस राजा जी पुरम लखनऊ के धरती पर आइए और इस धरती की शोभा को बढ़ाइए। कहना है गणपति महाराज, अरे गजी मदन नंदन है और हे गणपति महाराज, आप ही असुरों के निकंदन हो, क्योंकि अगर आपके भक्तों पर थोड़ी सी भी विघ्न आ जाए तो आप उस विघ्न को हटने फौरन ही आते हैं, लेकिन भक्त भी सच्चे दिल से पुकारे तभी, अगर भक्त सच्चे दिल से पुकारे तभी हमारे गणपति महाराज जी आते हैं। क्या बात है, और इसलिए कहना है चरणों में जो भी सर को झुकाता है गणपति महाराज उनका बेड़ा पार कर देते हैं और कहना है हे गणपति महाराज, और ये सम्मानीय बड़े बेटा बिक्की यादव कल्पना जी वंदन की मुख्य लाइन को दोबारा पढ़ा जाए। आइए आपके कर कमलों द्वारा 21 पत्र मुद्राएं गणपति महाराज जी के चरणों में पुष्पहार आया है, दद्दा का नमन है, वंदन है, जय जय। और आइए कहना क्या है, कहना है गणपति महाराज से, अरे गजी पतन गणराज गजान
के निकंदन है तो कहना है हमारे गणपति महाराज क्षण में विघ्न को हर लेते हैं, इसलिए कहना है गणपति महाराज नहीं है, क्योंकि अगर गणपति महाराज को याद किया जाए तो विघ्नों को हरने वो जरूर आते हैं बिना शक। और इसलिए कहना है गणपति महाराज इतना ही नहीं, हमारे जो गणपति महाराज हैं ये सर्व सुखों के दाता हैं, सर्व सुखों के दाता हैं और इस बुद्धि के भी प्रदाता भी हैं। और इसलिए कहना है चंदन आप ही हो, क्योंकि हे गणपति महाराज आप ही गणनायक असुरों के निकंदन हो। और इसलिए कहना है मूल्यवान रचनाकार लोग बैठे हैं, विद्वान भैया लोग, सभी लोग जानते हैं कि हमारे गणपति महाराज Yeah!
और सब हितकारी हैं और दयानिधि त्रिप्रतिष्ठा है। और इसलिए कहना है गणपति महाराज से और इसलिए कहना है हे गणपति महाराज आप सकल संसार के सृष्टा हो कर्ता धर्ता आप ही हो क्योंकि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। अगर सर्वप्रथम आपकी पूजा आराधना ना की जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है गणपति महाराज। और इसलिए कहना है चितरंजन और इसीलिए कहना पड़ा अरे विधि गजी बदन गणराज गजानन गणपति गिरिजानंदन हो और आदि देव की वंदना काटम सकल कलेश तो मोदक प्रिय शिव नंदना मोदक प्रिय शिव नंदना करता नमन निलेश और आज सभा के मध्य में प्रभु दे दो सिद्ध विशेष। आइए बहुत जल्दी क्योंकि मुझे लगता है बहुत समय हो गया कार्यक्रम भी थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ। आइए महामाई के सिर चरणों में कि सरस्वती ला
पति ने स्वर दिया और गुरु ने ज्ञान और माय अम्बा ने वर दिया तो भोले ने वरदान। ये हमारे छोटे भाई हैं श्री विद्य यादव जी, क्या बात, एक कनौसी की शान है। और कुछ पुरस्कार कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले परम आदरणीय सम्मानीय श्री राजाराम जटिल जी जिनका मंडल चलता है और गुरु भाई भी हैं श्री श्याम शरारती एवं पार्टी लखनऊ, भैया बहुत सुंदर गाते हैं और जिनके तरफ से 51 रुपए प्रदत्त है महामाई अनुसंग बनी रहे और हम बच्चों पे ऐसे कृपा बनाए रखें। और कल्लू की स्टाल छोटा बराबर, क्या बात है, छोटा बराबर की तरफ से 51 रुपए प्रदत्त है महामाई कल्याण करें। आइए अभिलंबना करते हुए माता श्री के चरणों में एक अभिलंब वंदना, छोटा सा बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि लोग आ चुके हैं, ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं। आई भक्त कह रहा मां कि अध्याय अध्ययन के नहीं ना जानू कभी का मैं बला
रचनाकार क्या कह रहा है। गायक की बात हो गई, परम सम्मानीय इस कार्यक्रम के आयोजक और अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, आपके भैया जी की तरफ से 51 रुपया महामारी के गुणानुवाद के बच्चे को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदत्त हुआ है। महामारी ऐसे ही आयोजन भैया से कराती रहे और अंग संग बनी रहे और शिखर तक ले जाए। देखिए ये तो हो गई गायक की, लेकिन अब देखिए रचनाकार क्या कह रहा है। और क्या, चूंकि मैं यही कहा हूँ कीर्तन सुनने के लिए लोग उपस्थित हैं तो भाषण हो जाए, इसलिए बहुत ज्यादा समय लेना बहुत समय है। तो कहना क्या स्वच्छंद लेखनिका सुबह दादा कोई मानता है बाड़िया कोई पूरी दाल जाला और हम मानता यही अंतिम बात और विशेष बात। इसके लिए बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, वो इस मंत्रा में है। मैंने जिसने अहंकार त्याग दिया श्रीमान जी, इससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। और साक्षात उदाहरण है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिनके लिए मैं कह रहा वो हमारे सामने बैठे हैं परमादरणीय दादाजी बड़े भैया। अगर अहंकार त्याग दिया तो उसको कोई छू नहीं पाएगा। उसी बात पे मैंने Yeah.
है जिसका जिसका मधु है